हेलो एवरीवन, सो गाइस कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल ग्वालियर ब्लॉगर पूनम शिंदे। सो गाइस, आपको मैं पहले ही बता दूं कि आज कोई ब्लॉग नहीं है किसी तरह का, और जो मैंने वीडियो बनाया एक छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिएगा। आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूंगी। मुझे पता नहीं, कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि मैंने जिससे कुछ सीखा है उसके बारे में मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। थैंक यू तो बोलना ही चाहिए, मैं वैसे तो बोल नहीं सकती हूँ, मगर पता नहीं कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि मुझे उनको एक छोटा सा थैंक यू तो बोलना ही चाहिए। अगर वो मुझे देखेंगी तो प्लीज़ बहुत सारा थैंक यू, और उनके बारे में जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो शुरुआत करते हैं। बात है 3 साल पुरानी, हाँ 3 साल हो गए, मगर YouTube जो चैनल शुरू किया था, चैनल मैंने अपना नहीं शुरू किया था, YouTube पे एक अपना अकाउंट बनाना होता है Gmail पे, तो वो बनाया था मैंने 2013 में बनाया था शायद, हाँ 13 में बनाया था हाँ। मगर मैंने जो चैनल बनाया है अपना 2 साल पहले ही बनाया है, और मैंने भी सोचा चलिए इसमें कुछ करते हैं, मगर मैं पहले कोई वीडियो वगैरह नहीं देखती थी। तो मेरे 3 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है जिस वो 8 साल की है, और मेरे 2 ट्विंस हैं। तो मैं प्रेग्नेंट थी तो खाली समय में मैं वीडियोस वगैरह देखती थी, उसी दौरान मैं मैत्री जी का वीडियो देखना शुरू किया। मैं बता नहीं सकती उनसे मैंने क्या क्या नहीं सीखा है, मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, उनकी लाइफ स्टाइल एब्जॉर्व करने की कोशिश करी, उनकी हर चीज़ मुझे पता नहीं क्यों बहुत पसंद है। अगर आप लोग देखते हैं उनकी लाइफ स्टाइल, वो बहुत ही अच्छी है, उनमें कोई बनावटीपन नहीं है, और उनकी छोटी फैमिली है और बहुत ही हंसमुख मिजाज की हैं। जब भी उनके ब्लॉग देखती थी मुझे पता नहीं क्या हो जाता था, सुबह उठ के मैं वही करने बैठ जाती थी। मगर मैं वेजिटेरियन हूँ, वो नॉनवेज खाते हैं, मगर मैं फिर भी उनके वीडियोस देखती थी। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कुछ ऐसा लगे कि नॉनवेज वालों के वीडियो नहीं देखना चाहिए, नॉनवेज रेसिपी नहीं देखनी चाहिए, मगर देखती थी। घर में सब लोग ये कहते थे कि तू नॉनवेज रेसिपी क्यों देख रही है, मैं कहती थी वो इसलिए देख रही हूँ क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है, हम उस चीज़ को वेजिटेरियन में भी तो बना सकते हैं, हम वो नॉनवेज यूज़ कर रही हैं, हम वेजिटेबल से भी यूज़ कर सकते हैं। तो उनका जो बनाने का तरीका और जो भी है मुझे बहुत पसंद आता था, और मैं बता नहीं सकती हूँ कि उनकी हर रेसिपी, जैसे वेजिटेरियन वाली जो रेसिपी होती है मैंने बनाने की कोशिश करी और अपने उसमें भी लाने की बहुत कोशिश करी है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मुझे उनकी हर चीज़ अच्छी लगती है, उनकी बेटी भी बहुत प्यारी है, उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं भैया शांतनु जी, और मैं बता नहीं सकती उनकी जो लाइफ स्टाइल, उनमें कोई बनावटीपन नहीं है। तो सब कहते थे तू ऐसे क्यों करती है, तो मेरे को लगा पता नहीं क्या हो गया मुझे आजकल, मैं उन बहुत बहुत पसंद करती हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। आज भी उनके ब्लॉग देखती हूँ, मैं कंटिन्यू देखती हूँ, अभी थोड़े से बिजी हो गई थी तो नहीं देखना हो पाता था, मगर जब भी देखती हूँ देखती ज़रूर हूँ। तो मुझे बहुत दिन से ऐसा लग रहा था कि मैं उनके लिए एक थैंक यू बोलूँ कि आपसे ही, मैंने फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी अपना एक चैनल शुरू करती हूँ। फिर क्या, बच्चे भी बहुत छोटे थे और घर में इन-लॉज वगैरह भी नहीं है, तो बहुत दिक्कतों का सामना मुझे भी करना पड़ा, कितना टाइम नहीं दे पाती थी, जितना भी टाइम देती थी मगर मुझे लगा कि चलो एक छोटा सा एक चैनल चालू करते हैं, कितना सपोर्ट मिलता है। तो मैंने भी अपना चैनल शुरू किया, रेसिपी डाली और अपनी जो लाइफ स्टाइल थी वो भी डाली, तो मैंने कोशिश करी, मगर बच्चे थोड़े बड़े होते गए, शैतानियाँ बढ़ती गई और मैं भी थोड़ी सी बिजी हो गई, तो बीच में मेरे भी कंटिन्यू नहीं हो पाया। मगर मैंने सीखा बहुत कुछ, बहुत कुछ सीखा, मैंने प्लांटिंग भी करी, बहुत कुछ सीखा, होम डेकोरेशन के भी जो चीज़ें होती हैं मैंने अपने आप में घर में यूज़ करना शुरू करी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करना शुरू करी, मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके वीडियोस देखना। तो गाइस, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, हमको अगर हमने किसी से सीखी है तो हमें उसकी तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने, देखिए हर कोई किसी ना किसी से कुछ सीखता है, तो मैंने भी उनसे कुछ बहुत कुछ सीखा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने उससे सीखा है तो बोलिए, ज़रूर बोलिए कि हमने उससे कुछ सीखा है, ऐसा नहीं है कि हम अपने अंदर ही रख लें वो चीज़ को कि हाँ हमने ये हमने अपने आप से किया है, नहीं, अगर आपने उससे कुछ सीखा है तो उसको ज़रूर बताइए कि हमने आपसे ये सीखा है। अगर कहते हैं ना ज्ञान जितना बांटे उतना ज्ञान बढ़ता है, तो बाय गॉड मैं बता नहीं सकती आप
वो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो मैंने बहुत दिन से यही सोच रही थी कि चलो एक वीडियो बनाऊँ छोटा सा और उनको थैंक यू बोल दूँ। उनने मेरी दुनिया बदल दी और मैं बहुत सारा थैंक यू बोलूँगी मैत्री जी आपको। और अच्छे अच्छे वीडियो इसी तरह बनाते रहिएगा और मेरे जैसी हाउस वाइफ को, मैं 3 साल से घर से बाहर नहीं निकली हूँ बच्चों के चक्कर में। पहले प्रेगनेंसी फिर बच्चों के चक्कर में कहीं नहीं निकलने का हो पाता था। तो चलिए आज का, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आएगी ना नीचे रेड कलर की, उस पर क्लिक ज़रूर करना जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आपको मिल सके। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट इसी तरह मेरे साथ बनाए रखिए। छोटी छोटी ब्लॉगर हूँ मगर थोड़ा सा साथ दीजिए, अगर आप साथ देंगे तो मैं भी आगे जाऊंगी तो प्लीज मेरा भी साथ दीजिए। और थैंक यू फिर से बोलना चाहूंगी मैत्री जी को, जिनकी वजह से मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना, और बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो प्लीज मेरा साथ इसी तरह दीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगे तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में जाके कि आज आपने ऐसा क्यों किया। तो प्लीज मेरे साथ यूं ही बने रहिए और मेरा साथ इसी तरह निभाते चलिए। और अगर मुझसे कोई गलती होती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, और फिर से एक बार फिर बोलूंगी थैंक यू सो मच। तो ज़रूर लाइक ज़रूर करना है आपको तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। लव यू गाइस, बाय बाय।